సాయిరా మిత్రి గారి పేరుతో చేశాం ఓవర్ టు రండిసి భారత్ మాతా కీ इतने सारे लोग बाड़ा बेटी के चौकीदार आज जो है कर्नाटक सरकार तक आवाज जा रही है। दोस्तों मंच पे मंचा सिंह अतिथि केरला से लेके कर्नाटक तक पूरा इंडिया फिर बचाई कहा जो आपकी जनशक्ति के आगे आज जो है नतमस्तक है। पूरी सरकार को रिपोर्ट जा रही है कि ये और धन्यवाद दीजिए आपकी बढ़ती शक्ति के आगे जब इंद्र महाराज भी आपके आगे नतमस्तक हो गए। महाराज भी बोलेंगे इनके आगे मैं नहीं बरसूंगा। इंद्र महाराज बोले भैया बचाओ क्योंकि पारा मिलिट्री के जवान जो आए दिन शहादत में भेदभाव आए दिन शहीद होते रहते हैं। आज भी संसद को हमने बचाया ना प्रधानमंत्री जी माननीय यशस्वी भी बोले अरे सर आप चौकीदारों के बीच में जलेबी बांटते और ढिंडोरा पीटते हैं वन रैंक वन पेंशन। सर जवानों की पेंशन नहीं किसके लिए बनने वी आर ऑन बॉर्डर्स नॉट इन बैरिक्स। पूरी सड़क के चाकू चौक से बीएसएफ के जवान आईटीबीपी के हिम्पी एसएसबी के जवान कर रहे सीआईएसएफ सीआईएसएफ देश के पूरे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन एयरपोर्ट पोर्ट मेट्रो हम ही तो हैं। हमारी पहचान मिटा दी पहचान क्योंकि हम पहले खाकी थे अब कॉम्बैट हो गए। कॉम्बैट सब लोग सोचता सेना का जवान कोई कहेगा भी ऐसा का जवान। हम घोर विरोध करते हैं सरकार का। अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा कि सेना झंडा दिवस की तरफ पे अर्धसेना झंडा दिवस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम माननीय गृह राज्य मंत्री के इस बयान का घोर विरोध करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि सेना झंडा अर्धसेना झंडा दिवस का कोई हमारा इरादा नहीं है जबकि 2 फरवरी 2021 गृह सचिव ने हाँ माननीय गृह सचिव ने खुद कहा था या तो 21 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। और सरकार 100 दिन की छुट्टी का ढिंढोरा पीटती है 100 दिन बताए सरकार किस जवान को 100 दिन की छुट्टी मिली जो जाओ छुट्टी के कम चलते समय पे ना मिलते ड्यूटी की अधिकता के कारण आए दिन जवान शूट आउट कर आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार तक ढिंढोरा पीटा गया हर मंत्री संतरी से मिला गया माननीय वित्त मंत्री साहिबा से मिले कहा कि हमारी कंटेन जीएसटी के चलते मार्केट वीक पे आ गई तो हमको भी तो मिलना चाहिए ना। अरे मिलना चाहिए जीएसटी छूट जवानों को पेंशन मिलना चाहिए पुरानी पेंशन बहाली गले की हड्डी बनेगा जैसे राणा जी बोले कि हिमाचल में बोला बोलम तो है ऐसा मारूंगी हाँ अब जाके हिमाचल वाला हाजी हाजी होगा। कितने शौर्य दिवस हमारे आज का दिन अरे 9 अप्रैल की अभी बात कर रहे हैं शौर्य दिवस की 14 फरवरी को आप डीजी ऐलान करके के बैठ जाइए दिल्ली जंतर मंतर। मैं ज्यादा भाषण नहीं करते हुए मैं यही कह सकता हूं कि जागो पैरामिलिट्री परिवारों जागो अभी तो लड़ाई है पीछे वाला छोरा है अभी तो लड़ाई है आवाज दो मुट्ठी बंद करके होना चाहिए शहादत देनी पड़ेगी भूख हड़ताल लगातार करनी पड़ेगी। आज मुझे कई लोग बोले
चलिए सर भोजन कर ले। इतने सैलाब को देख के मेरी भूख भाग गई, मैं रोटी नहीं खाता ज्यादा, मैं सवेरे ब्रेकफास्ट करवा दी। खैर, कन्याक का गवर्नर महामहिम को भी हमने ज्ञापन दिया, उसमें एनपी रेड्डी साहब हमारे साथ थे, हनुमंता जी हमारे साथ थे। क्यों भाई, खाली फोटो खिंचवा दिया, कहा गया हमारा मेमोरेंडम महामहिम बताए गवर्नर साहब, हमारे पैरा मिलिट्री के मेमोरेंडम का क्या हो? राष्ट्रपति तक गुहार लगाई जब हमने 3 सितंबर 2021 के, मैंने कहा सर आप तो तीनों सेनाओं के सेनापति हैं, तो ये अर्ध कुंवारी हो, अर्ध नरेश्वर हो, अर्ध नगन हो, एक हम हो गए अर्ध सैनिक। हाँ सर, कम से कम आप जवानों की पेंशन तो होनी चाहिए ना साहब, झंडा दिवस होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गिले चुपके हैं। लास्ट में मैं चाकू साहब मुझे समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक के पूरे लोग एक झंडे के नीचे आए, एक हनुमंता मुट्ठी एक हनुमंता, मैं उनको बिग सैल्यूट करता हूँ। मैं पूरी टीम को कर्नाटक के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो अगला जब धरना प्रदर्शन होगा, लगातार भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। आने वाला 2023 का इलेक्शन नजदीक आ गया, बराबर हम लोग भूख हड़ताल करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ? अग्नाशा सिपाही रातों की नींद नहीं आती, क्योंकि यही अर्ध आधा अधूरा सुधाएं, ये तभी होगा जब आप जागेंगे। मैं पूरी कर्नाटक की टीम्स को, पूरे पैरामिलिट्री वेपन्स को, केरल से लेके और कश्मीर तक के लोग आए हैं, सबको हम सैल्यूट और सलाम करते हैं। साहब आपने मुझे बहुत बहुत, और ये अभी किचन जारी है, 2024 में बहुत बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन अभी कर्नाटक का, पूरे इंडिया के लिए, अन्य स्टेट के लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं आप, अपनी ताकत को पहचानिए। जय कर्नाटक, जय पैरामिलिट्री। मुझे बहुत, मैं चाकू साहब, मैं आपके सभी को, जितने भी लोग हैं, धन्यवाद। 12 राज्यों के राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं रणबीर सिंह साहब। बाईपास करने के बाद, सर्जरी होने के बाद लद्दाख जाना कोई आसान काम है? बताइए आप, सर्विस के दौरान लद्दाख की जब पोस्टिंग आती है तो डर लगता है कि नहीं? ये वो बिरला व्यक्ति है, 5 दिन लद्दाख में वहां के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए। और शिलोंग भी तो खतरनाक लगता है, 2 बार वहां के राज्यपाल साहब से मिले हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां दस्तक नहीं दी है? किसके लिए? इनको तो पेंशन मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। इनके बच्चों की शादियां भी हो गई, आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई जारी है। दोस्तों, चाकू साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।